दोस्तों बढ़िया एम्बियंस हो, बढ़िया आपके साथ कंपनी हो तो मज़ा ही आ जाता है। हम गए थे साइबर हब गुड़गांव, जिसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है एपिसोड नंबर 1 में। साथ में ही मैंने डीकैथलॉन को विजिट किया था, उसका भी एपिसोड नंबर 2 में दिया है। डीकैथलॉन के व्लॉग का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आज का एपिसोड रहेगा प्लाका के बारे में। प्लाका नहीं जानते हैं तो ये है रेस्टोरेंट शेफ अजय चोपड़ा जी का, बहुत ही मज़ेदार एम्बियंस, खाना भी बहुत ही मज़ेदार था। तो आज कैसा रहा मेरा विजिट? हम गए थे मम्मा बेटा, बहुत ही मजे से हमने पहले तो इंजॉय किया। हम प्लाका जाने से पहले हम गए थे कुल्फी खाने, फिर हमने बोबा टी भी ली और हम खूब इंजॉय करते हुए प्लाका पहुंचे। एम्बियंस बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन बताना चाहूँगी कि शायद एसी इतने इफेक्टिव वर्किंग नहीं थे उस टाइम पे, तो हल्का सा गर्मी लग रहा था क्योंकि हम पहले जहाँ बैठे थे वहाँ पे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो हमने सीट चेंज कर दी थी। काफ़ी अच्छा खाना था, हम थोड़ा सा हमारा पेट भरा हुआ था तो हमने बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू ऑर्डर नहीं किया था। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था मखनी गार्लिक चिकन, बहुत ही मज़ेदार था, सीरियसली बताऊंगी बहुत ही टेस्टी था। स्टाफ बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज मैंने आपको बताया हल्का सा गर्मी वाला इशू लग रहा था हमें, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें कोऑपरेट किया था। यहाँ पे और भी फैमिलीज आई हुई थी जो साथ में ही इंजॉय कर रही थी, लेटर ऑन थोड़ा सा उन्होंने अच्छे से अरेंजमेंट किया तो हमें काफी अच्छा लग रहा था, अंदर ठंडा ठंडा था। पहले आया ये वाला चिकन वाला स्टार्टर, बहुत ही मज़ेदार था, जो इसके ऊपर क्रीमी सा सॉस उन्होंने डाला था वो तो बहुत ही मज़ेदार था। चटनी प्याज हमने लिया और इंजॉय किया। साथ में ही चल रहा था लाइव म्यूजिक, इतना बढ़िया था, सिंगर वाज ऑसम। हमने मील खाते खाते इस म्यूजिक को भी एंजॉय किया। फिर आया, हमने ऑर्डर किया था बटर चिकन और गार्लिक नान, इतना टेस्टी बटर चिकन था, साथ में ही गार्लिक नान तो लाजवाब ही था। हम दोनों ने खूब इंजॉय किया और मजे से हमने अपना टाइम स्पेंड किया। एज पर प्राइसिंग काफ़ी जस्टिफाइड थी क्योंकि ये कौन सा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे है और कौन ओनर है। खाना भी मज़ेदार था, एक स्नैक्स, एक हमने मेन कोर्स मंगाया था और साथ में गार्लिक नान 1100 एक्सक्लूडिंग द टिप, तो बहुत ही बढ़िया था। खाना टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही गर्मा गर्म था, नान बहुत ही क्रिस्पी था जैसा हम चाह रहे थे, चटनी ऐसी थी कि जैसे घर की रसोई में ही बनी हो, तो हमने जरूर एंजॉय किया। हमने फूड खूब सारा एंजॉय किया। इसी सीरीज की, साइबर हब की सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो जरूर बने रहिएगा। पसंद किया आज का वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन होता है, उसे क्लिक करके ऑल करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।